हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड के आर्थिक विकास के मॉडल के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हैरोड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के इंट्रोडक्शन और अजम्पशंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हैरोड के ग्रोथ मॉडल के बारे में। प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड का ग्रोथ मॉडल इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इफेक्ट दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लायर इफेक्ट या निवेश के गुणक प्रभाव का मतलब है कि निवेश से आय में वृद्धि निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के आकार पर निर्भर करेगी। यह इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लोगों के सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करती है। इसे हम एमपीसी भी लिख सकते हैं। एमपीसी का मतलब है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, यानी एमपीसी इज इक्वल डेल सी बाय डेल वाई होता है। यहाँ डेल सी उपभोग में परिवर्तन को बतलाता है और डेल वाई आय में हुए परिवर्तन को बतलाता है। मान लीजिए कि आय 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई है तथा उपभोग 80 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गई है, तो डेल वाई इज इक्वल 50 रुपीज होगा और डेल सी इज इक्वल 40 रुपीज होगा। यानी एमपीसी इज इक्वल डेल सी बाय डेल वाई इज इक्वल 40 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल 4/5 होगा। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी होता है, यानी 1/1 माइनस 4/5 इज इक्वल 1/5 माइनस 4/5 इज इक्वल 5/1 इज इक्वल 5 होगा। अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर 4/5 है तो निवेश गुणक का आकार 5 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि निवेश में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी तो आय में 5 गुना यानी 500 रुपए के बराबर वृद्धि होगी। चलिए अब जानते हैं एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या निवेश के त्वरण प्रभाव का क्या मतलब है। देखिए, निवेश का त्वरण प्रभाव या एक्सेलरेटर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही वोलेटाइल या परिवर्तनशील होता है। यदि किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग के बढ़ने की दर अधिक होगी तो निवेश व्यय भी बड़ी तेजी से बढ़ेगा, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड में थोड़ी भी कमी आएगी निवेश व्यय भी तेजी से कम होगा। यानी समग्र मांग के बढ़ने और घटने की दर में परिवर्तन से निवेश व्यय में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम एक्सेलरेटर इफेक्ट या त्वरण प्रभाव कहते हैं। डिटेल में हम किसी अलग वीडियो में मल्टीप्लायर इफेक्ट और एक्सेलरेटर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड अपने मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में निवेश के मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इफेक्ट दोनों को आर्थिक विकास के लिए जरूरी समझते हैं, जबकि प्रोफेसर केन्स ने अपने व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल की व्याख्या में केवल मल्टीप्लायर इफेक्ट को ही कंसिडर किया था। अगर हमें प्रोफेसर हैरोड के आर्थिक विकास के मॉडल को समझना है तो हमें 3 सवाल करने पड़ेंगे। पहला, कि सतत आर्थिक विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है जबकि पूंजी उत्पाद अनुपात और बचत आय अनुपात स्थिर है। दूसरा, कि कैसे आर्थिक विकास की सतत दर को कायम रखा जा सकता है। और तीसरा, कि आर्थिक विकास के रास्ते में प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता या लिमिटेशन बाधा बन सकती है। इन्हीं 3 सवालों का जवाब प्रोफेसर हैरोड ने अपने आर्थिक विकास के मॉडल में देने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने 3 तरह के अलग अलग विकास दरों की कल्पना की है। पहला, एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी वास्तविक विकास दर जी, दूसरा वारंटेड ग्रोथ रेट यानी आवश्यक विकास दर GW, और तीसरा नेचुरल ग्रोथ रेट यानी प्राकृतिक विकास दर GN। पर इससे पहले कि हम इन 3 विकास दरों के बारे में समझें, हमें हैरोड के आर्थिक विकास के मॉडल का आधार या बेस स्ट्रक्चर भी समझ लेना चाहिए। प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड का मानना है कि एक अर्थव्यवस्था का संतुलन डायनेमिक होना चाहिए ना कि स्टैटिक। किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन प्रवैगिक होना चाहिए ना कि स्थैतिक। उन्होंने अपनी पुस्तक टुवार्ड अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स में इसी बात की चर्चा की है। उनका मानना है कि किसी देश में सतत आर्थिक विकास के लिए कुछ चीजों का होना बेहद जरूरी है, जैसे किसी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, अर्थव्यवस्था में स्किल्ड लेबर की कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों की प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक होनी चाहिए
और अर्थव्यवस्था को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इनोवेटिव होना चाहिए। बचत का पर्याप्त स्तर होना चाहिए। प्रोफेसर हैरोड मानते हैं कि ये सारी खासियतें एक स्थैतिक या स्टैटिक इकोनॉमी में मौजूद नहीं हो सकती है और आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी ढांचा केवल प्रवैगिक अर्थव्यवस्था या डायनेमिक इकोनॉमी में ही संभव हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड ने आर्थिक विकास के तीन दरों की जो कल्पना की थी उसका मतलब क्या है। प्रोफेसर हैरोड के आर्थिक विकास के मॉडल में पहला ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट है। एक्चुअल ग्रोथ रेट या वास्तविक विकास दर का मतलब उस विकास दर से है जब अर्थव्यवस्था की वास्तविक बचत वास्तविक निवेश के बराबर होती है, यानी एक्सपोस्ट सेविंग एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। प्रोफेसर हैरोड ने एक्चुअल ग्रोथ रेट को एक फॉर्मूला के रूप में इस प्रकार लिखा, जीसी इज इक्वल एस, यहां जी वास्तविक विकास दर या एक्चुअल ग्रोथ रेट को बतलाता है। जी को हम डेल वाई बाई वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि आर्थिक विकास आय के वर्तमान स्तर में अनुपातिक परिवर्तन को लाता है। यहां डेल वाई आय में हुए परिवर्तन को बतला रहा है जबकि वाई दिए गए समय में कुल आय को बतला रहा है। यहां सी कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी उत्पाद अनुपात है, इसे हम डेल के बाई डेल वाई भी लिख सकते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें बतलाता है कि कैपिटल में परिवर्तन किया जाता है तो आउटपुट में कितना परिवर्तन होता है। यहां डेल के चेंज इन कैपिटल है जबकि डेल वाई आउटपुट में हुए परिवर्तन को बतला रहा है। यहां डेल वाई द्वारा चेंज इन आउटपुट को इसलिए दिखलाया गया है क्योंकि आउटपुट या उत्पादन मात्रा का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय को बतलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन असल में आय में हुआ परिवर्तन ही है। इस समीकरण में एस द्वारा सेविंग इनकम रेशियो यानी बचत आय अनुपात को दिखलाया गया है, इसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। यहां एस बचत है और वाई आय है। अब अगर हम हैरोड के एक्चुअल ग्रोथ रेट के सूत्र में जी सी और एस के वैल्यू को रख दें तो हमें कुछ इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, जी इंटू सी इज इक्वल एस इज इक्वल डेल वाई बाई वाई इंटू डेल के बाई डेल वाई इज इक्वल एस बाई वाई। चेंज इन कैपिटल को हम निवेश भी कह सकते हैं, इसलिए डेल के इज इक्वल डेल आई लिखा जा सकता है। अब डेल वाई बाई वाई इंटू आई बाई डेल वाई इज इक्वल एस बाई वाई में डेल वाई और डेल वाई कैंसल हो जाएगा, तब हमें आई बाई वाई इज इक्वल एस बाई वाई मिलेगा। हम यहां वाई और वाई को भी कैंसिल कर सकते हैं, तब आई इज इक्वल एस होगा, यानी वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश बराबर हैं, या यू कहें कि एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर हैरोड के दूसरे विकास दर वारंटेड ग्रोथ रेट या आवश्यक विकास दर के बारे में। वारंटेड ग्रोथ रेट का मतलब उस वृद्धि दर से है जहां अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता या फुल कैपेसिटी पर काम कर सके। वारंटेड ग्रोथ रेट या आवश्यक वृद्धि दर तब प्राप्त किया जा सकता है जब बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक का पूर्ण उपयोग हो रहा हो, यानी आय में वृद्धि से कैपिटल स्टॉक या पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है वह खाली ना पड़ी रहे, उसका पूरा उपयोग हो। यह दर उद्यमी संतुलन को भी बतलाता है, यानी अर्थव्यवस्था अगर वारंटेड ग्रोथ रेट पर काम कर रही है तो उद्यमी के सारे पूंजीगत संसाधनों यानी कैपिटल फैक्टर्स का फुल यूटिलाइजेशन होगा। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम समीकरण में इस प्रकार से भी दिखला सकते हैं, जी डब्ल्यू इंटू सी आर इज इक्वल एस। यहां जी डब्ल्यू विकास की आवश्यक दर है जिसे हम डेल वाई बाई वाई भी लिख सकते हैं। सी आर पूंजी की आवश्यक मात्रा को बतला रहा है, यानी वारंटेड ग्रोथ के लिए कितनी पूंजी या कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी उसे बतला रहा है, या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सी आर वारंटेड ग्रोथ के लिए आवश्यक कैपिटल आउटपुट रेशियो को बतला रहा है, इसे हम डेल के बाय डेल वाई या आई बाय डेल वाई भी लिख सकते हैं। यहां एस सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसे एस बाय वाई भी लिखा जा सकता है। जी डब्ल्यू इंटू सी आर इज इक्वल एस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी डब्ल्यू इज इक्वल एस बाई सी आर, यानी वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो।
यानी विकास की आवश्यक दर सीमांत बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात के रेशियो पर निर्भर करता है। चलिए अब इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ओ वाई एक्सिस में बचत और निवेश को दिखलाया गया है, जबकि ओ एक्स एक्सिस में आय या इनकम को दिखलाया गया है। यहाँ ओ एस बचत फलन या सेविंग फंक्शन है, जो बचत और आय के अनुपात को बतलाता है, या यूं कहें कि यह एक सीमांत बचत प्रवृत्ति की रेखा है। यहाँ के ए, एल बी और एम सी रेखा निवेश को बतला रही है। आप देख सकते हैं कि शुरू में आय ओके है तथा के ए निवेश किया जाता है, तो आय ओके से बढ़कर ओएल हो जाती है, यानी आय में परिवर्तन केएल के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वारंटेड ग्रोथ रेट जीडब्ल्यू इज इक्वल डेल वाई बाई वाई होता है, यानी इस केस में जीडब्ल्यू इज इक्वल केएल बाई ओएल होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे निवेश में वृद्धि होती है, यानी निवेश एलबी और एमसी होता जाता है, आय में भी परिवर्तन होता जाता है। एलबी निवेश पर जीडब्ल्यू इज इक्वल एलएम बाई ओएम होता है और एमसी निवेश पर जीडब्ल्यू इज इक्वल एमएन बाई ओएन होता है। पर आप देख सकते हैं कि हर केस में आय का अनुपात जीडब्ल्यू इज इक्वल डेल वाई बाई वाई बराबर रहता है। यही सतत विकास की दर है। चलिए अब नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ यानी विकास के प्राकृतिक दर पर नजर डालते हैं। प्रोफेसर हैरोड नेचुरल ग्रोथ रेट को आर्थिक विकास की अधिकतम संभावित दर मानते हैं। यह विकास दर अधिक व्यापक चरों यानी मैक्रो वेरिएबल्स जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, तकनीकी प्रगति, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है, और कोई भी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक विकास दर से अधिक दर पर विकास नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राकृतिक विकास दर किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम संभव प्रयोग के बाद निर्धारित विकास दर है। जॉन रॉबिन्सन इसे मैक्सिमम फेजिबल रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट असल में सीलिंग ऑफ ग्रोथ रेट है, यानी विकास दर इससे ऊपर कभी नहीं जा सकती है। इसे हम जी एन इंटू सी आर इज इक्वल और नॉट इज इक्वल एस द्वारा दिखला सकते हैं। इसका मतलब है कि जी एन इंटू सी आर एस के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ जी एन प्राकृतिक विकास दर है, जबकि सी आर और एस पहले की तरह ही परिभाषित हैं। अब जब हमने वास्तविक विकास दर, आवश्यक विकास दर और प्राकृतिक विकास दर को समझ लिया है, तो हमारे सामने यह सवाल उठता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कौन सी विकास दर का होना जरूरी है। तो किसी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण संसाधनों का अनुकूलतम और पूर्ण उपयोग तभी संभव हो पाएगा जब ये तीनों विकास दरें यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट जी, वारंटेड ग्रोथ रेट जी डब्ल्यू और नेचुरल ग्रोथ रेट जी एन आपस में बराबर हों। और इस स्थिति में किसी भी तरह का डेविएशन या विचलन अर्थव्यवस्था में इनस्टेबिलिटी उत्पन्न करेगा। इस खास स्थिति जी इज इक्वल जी डब्ल्यू इज इक्वल जी एन को नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहा जाता है, या इसे द गोल्डन एज भी कहा जा सकता है। इसे बैलेंस ग्रोथ रेट इक्विलिब्रियम आदि नामों से भी जाना जाता है। इस तरह का संतुलन अर्थव्यवस्था में बहुत ही मुश्किल से कायम हो पाता है, और इसे लंबे समय तक मेंटेन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जॉन रॉबिन्सन इसे सेटिस्फैक्टरी और हैप्पी सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि इस तरह का संतुलन बतलाता है कि अर्थव्यवस्था सतत विकास दर को प्राप्त कर चुकी है और सभी संसाधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में है। हालांकि जॉन रॉबिन्सन इस नाइफ एज इक्विलिब्रियम या द गोल्डन एज को मिथिकल स्टेट कहते हैं, जो वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं हो सकती है। अब सवाल किया जा सकता है कि अगर ये तीनों विकास दरें आपस में बराबर ना हो तो किसी अर्थव्यवस्था के साथ क्या होगा। देखिए, अगर ये जी, जी डब्ल्यू और जी एन आपस में बराबर ना हो तो प्रोफेसर हैरोड के अनुसार चार स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, जब जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू हो, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा हो वारंटेड ग्रोथ रेट से। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की दर सेविंग्स के बढ़ने की दर से अधिक हो जाती है और आय में वृद्धि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अपेक्षा तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे कीमतों में वृद्धि उत्पन्न होने लगती है। और अगर यह स्थिति बरकरार रहे तो भयंकर मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू होता है तब सी इज लेस देन सी आर हो जाता है। यह स्थिति दीर्घकालीन स्फीति या लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन की स्थिति है।
दूसरी स्थिति तब हो सकती है जब जी इज लेस देन जी डब्ल्यू हो, यानी वास्तविक वृद्धि दर आवश्यक वृद्धि दर से कम हो जाए। ऐसी स्थिति में निवेश बचत की तुलना में घट जाती है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग्स से कम हो जाती है और आय में वृद्धि उत्पादन क्षमता की अपेक्षा कम दर से बढ़ने लगती है। तब अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में सी इज ग्रेटर देन सी आर, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो से ज्यादा हो जाता है। अगली स्थिति जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी एन की हो सकती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के अंदर सेक्युलर स्टैग्नेशन यानी दीर्घकालीन गतिहीनता उत्पन्न होती है। सेक्युलर स्टैग्नेशन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि शून्य हो गई है और आर्थिक विकास को स्टिमुलेट या गति देने वाली कोई घटना भी अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही है। मान लीजिए कि आर्थिक विकास के लिए एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है। अब अगर किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास शून्य है तो सेक्युलर स्टैग्नेशन का मतलब केवल शून्य या कम विकास दर नहीं होगा, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले सेक्टर जैसे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई निवेश नहीं किया जा रहा है, यानी भविष्य में भी गतिहीनता बनी रहने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में जो आवश्यक विकास दर जी डब्ल्यू है वह प्राकृतिक विकास दर जी एन से भी ऊपर चली जाएगी, जबकि वास्तविक विकास दर नीचे तो है ही। हम जानते हैं कि प्राकृतिक विकास दर किसी भी अर्थव्यवस्था की मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट है। अगर हमें इस सीलिंग से भी अधिक विकास दर चाहिए तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी बहुत ही खराब स्थिति में है। चौथी और आखिरी स्थिति तब हो सकती है जब जी डब्ल्यू इज लेस देन जी एन हो, तब अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन उत्पन्न होगी। प्रोफेसर हैरोड द्वारा आर्थिक विकास का संपूर्ण विश्लेषण बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी पर आधारित था, पर बाद में प्रोफेसर हैरोड ने अपने तीनों विकास दरों की व्याख्या में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावना को भी स्वीकार किया। उनकी नई धारणा इस प्रकार है, जी इंटू सी इज इक्वल एस माइनस बी, जी डब्ल्यू इंटू सी आर इज इक्वल एस माइनस बी, जी एन इंटू सी आर इज इक्वल एस माइनस बी। यहां बी भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अगर हमें प्रोफेसर हैरोड के मॉडल को समराइज करना हो तो हम इस चार्ट की मदद ले सकते हैं। बचत में वृद्धि निवेश में वृद्धि उत्पन्न करती है जो उत्पादकता में वृद्धि करती है, जिससे आय में वृद्धि होती है जो फिर से बचत में वृद्धि करती है, और इस तरह से एक साइकिल चल पड़ता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि संतुलन की एक स्थिति से संतुलन के दूसरे बेहतर विकल्प की ओर गति करना। दोस्तों, प्रोफेसर रॉय एफ हैरोड के विकास मॉडल में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बतलाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।